आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चीज सैंडविच की रेसिपी। बनाना बहुत आसान है, इसे आप देखते ही बनाएंगे। चीज सैंडविच हर जगह अलग अलग तरीके से बनता है, ये मैंने अपने तरीके से बनाया है, आपको बहुत पसंद आएगा। हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल खुशबू ब्लॉग्स एंड रेसिपी, और मैं हूँ खुशबू। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करके अभी मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की मजेदार सी रेसिपी। चीज़ सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले हमें जो चाहिए होगा वो है ब्रेड। ब्रेड ही तो लेंगे, नहीं तो किस पे बनाएंगे, है ना। ये ब्रेड जो है ये थोड़ी अच्छी क्वालिटी के लेंगे, मतलब थोड़ा सा मोटा सा लेंगे ताकि जो हम स्टफिंग करें उसको ये होल्ड कर सके। एक आता है ना बिल्कुल पतला सा, तो पतला सा मरा गिरा सा नहीं लेना है हमें, थोड़ा सा हेल्दी सा लेना है। अब इस पे लगाएंगे थोड़ा सा बटर, चारों तरफ से अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। और ये बटर जो है ना, इसे मैंने फ्रिज से तुरंत ही निकाला था तो ये अच्छे से लग नहीं पा रहा था। आप फ्रिज से थोड़ा सा पहले ही निकाल के रख लीजिएगा ताकि थोड़ा सा मेल्ट हो जाए तो अच्छे से ब्रेड पे स्प्रेड हो पाए। अब इसके ऊपर हम डालेंगे मोजरेला चीज़। ये ग्रेटेड चीज़ ही आता है पैकेट में, आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगा। आपके पास अगर चीज़ क्यूब्स हैं तो उसको भी घिस के आप डाल सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हम लेंगे वो है स्वीट कॉर्न। तो यहाँ पे हम चीज़ के साथ स्वीट कॉर्न का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा कोई वेजीज वगैरह नहीं डालेंगे क्योंकि हम चीज़ सैंडविच बना रहे हैं, तो इसको पूरी तरह से चीज़ सैंडविच ही बनाएंगे। कोई भी सब्जी वगैरह नहीं है आपके पास तब भी आप इजली बना सकते हैं। अगर आपके पास स्वीट कॉर्न नहीं है तो इसे भी ना डालें, स्किप कर दें, आप चीज़ से भी चीज़ सैंडविच बना सकते हैं। अब इसके ऊपर जाएगा थोड़ा सा चिली फ्लेक्स। अगर आपके पास चिली फ्लेक्स नहीं है तो कुटी हुई लाल मिर्च भी थोड़ा सा डाल सकते हैं। अब इस पे डालेंगे थोड़ा सा पिज्जा ऑरेगानो। अब इस पे बहुत ही बढ़िया सा चीज़ी फ्लेवर और चीज़ी लुक देने के लिए हम इस पे डालेंगे चीज़ स्लाइस। तो ये मैंने एक चीज़ स्लाइस लिया है, इसका रैपर हटा देंगे और अब इसे हम रख देंगे ब्रेड के ऊपर। थोड़ा सा इसको रख के अच्छे से प्रेस कर देंगे ताकि ये सेट हो जाए, और फिर दूसरा ब्रेड जो है उसको भी हम इसके ऊपर से लगा देंगे और इसको हाथों से प्रेस कर देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो चलिए अब चलते हैं हम गैस की तरफ। तो यहाँ देखिए मैंने गैस का चूल्हा लिया है, ये बहुत ही छोटा सा प्यारा सा है, ट्रेवलिंग के पर्पज़ से है। इसे देखिए हम जितना बड़ा बर्तन रखेंगे उस हिसाब से छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। और एक पाउडर का डब्बा होता है ना उसके बराबर इसका सिलेंडर है, इसे बहुत ही ईजिली आप कैरी कर सकते हैं अपने बैग में डालकर। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि अगर आप भी ट्रैवलिंग करते होंगे और आपको ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती होगी तो आपको यहाँ से आइडियाज मिल जाएंगे। तो अब हम फिर से आ जाते हैं अपने चीज़ सैंडविच पे। तो ये तवा गर्म हो गया है और इस पर एक चम्मच बटर डाल के अच्छे से फुला देंगे। अब हमने जो ब्रेड वाला सैंडविच तैयार कर रखा है उसको रख देंगे इस पर। गैस की फ्लेम बिल्कुल स्लो रखेंगे तभी ये क्रिस्पी सिकेगा और इसके अंदर का चीज़ अच्छे से मेल्ट होगा। अब हम थोड़ा सा बटर लेके इसके ऊपर वाले ब्रेड पे भी थोड़ा सा लगा देंगे ताकि हम जब दूसरी तरफ से पलटें तो इधर से भी बिल्कुल क्रिस्पी सिकेगा। इसको हम एक मिनट के लिए सेक लेंगे बिल्कुल स्लो फ्लेम पे। ये एक मिनट हो गया तो अब इसको हम पलट देते हैं। और इसको पलटने के लिए एक चाकू या चम्मच की हेल्प ले लीजिएगा, वरना इसके अंदर का जो है सब सामान फैल जाएगा। अब इसको दूसरी साइड से भी हम अच्छे से सेक लेते हैं, गैस की फ्लेम स्लो रखेंगे। तो अभी ये दूसरी तरफ से भी लग रहा है अच्छे से सिक गया है, तो अब हम इसको पलट देते हैं। तो ये देखिए है ना बिल्कुल अच्छे से सिका हुआ, और ये देखिए इसका चीज़ भी अच्छे से मेल्ट होने लग गया है, देखिए बाहर निकल रहा है। तो इसका चीज़ भी मेल्ट हो गया है और ये ब्रेड भी अच्छे से सिक गया है। अभी इसे तवे से उतारने में हमें कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है, अभी इसे उल्टा पलटी करके दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेते हैं। अब ये सैंडविच बहुत बढ़िया क्रिस्पी सिका है, ये देखिए मैं इसकी आवाज़ सुनाती हूँ आपको। अब आपने इसकी आवाज़ सुन ली है तो मुझे इससे ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। तो चलिए अब इसको हम तवे से उतार लेते हैं। अब इसको हम बीच में से कट कर लेते हैं, आप कोई भी एक चाकू या पिज्जा कटर ले लीजिए उससे काट लीजिए। तो ये देखिए, देख के आपका भी एकदम से मन कर गया ना खाने का, अंदर तक बिल्कुल चीज़ भरा हुआ है। और ये देखिए वाव, लग रहा है ना सुपर डिलीशियस। और जब ये वाला सैंडविच आप खाएंगे ना तो एकदम से आपको सेम टू सेम पिज्ज़ा वाला टेस्ट मिलेगा, क्योंकि हम पिज़्ज़ा तो बनाने में बहुत आलस कर जाते हैं कि इतना टाइम लगता है, ये लगता है, वो लगता है, लेकिन जब ये चीज़ सैंडविच बनाएंगे ना तो बहुत ही इजीली क्विक तरीके से एकदम फटाफट से बना सकते हैं।
आप भी बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपको ये चीज़ सैंडविच की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक वाले बटन पर प्रेस करके लाइक ज़रूर कीजिएगा, और नहीं पसंद आई हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस रेसिपी में आपको क्या अच्छा लगा और क्या नहीं अच्छा लगा। जल्दी ही मिलते हैं आपसे एक और नई मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करके आप भी मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। जल्दी ही मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।